वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं इधर से स्टार्ट। तो अभी मेरे पास है एक नमूना जो कि हमेशा अक्सर व्लॉगों में नजर आता है। तो अभी मैं सुबह का टाइम है, मूवी देख रहा था, रमज़ान के बाद पहले का मूवी देख रहा था, लाइट चली गई तो मैं आ गया बाहर, क्योंकि अभी यूपीएस का सेटअप नहीं था तो वाईफाई बंद हो गया। इतनी मतलब कि ठंडी हवा आ रही है ना अंदर, तो इतनी गर्मी लग रही है, ठंडी हवा आ रही है, साथ ग्रीनरी देख के इतना मतलब कि अच्छी फील आ रही है ना, ऑक्सीजन, क्योंकि सुबह इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चढ़ रही है। तो मैं बाहर आ गया हूँ, अब यहाँ पर बैठने लगा हूँ थोड़ी देर, फिर देखूँगा लाइट आएगी तो मैं अंदर जाऊँगा। अरे यार नेक्स्ट डे आज हो गया एक मसला है, जो हमने धूप से बचाने के लिए लगाया हुआ था ना, यार नेट रात चली इतनी तेज़ हवा के ये हो गया टूट गया यहाँ से, वैन है दरवाज़ा खोल, तो अब इसको ये हमने कोई तार निकाल ली है, इस तार के टोटे करके प्लास से फिर इसके साथ बांधते हैं। अरे अभी हमने डाला नहीं, तो हमने नया के स्प्रे गाड़ी के लिए, गाड़ी का स्प्रे ले रहे हैं, हम जा रहे हैं हम इस मार्ट में, यहाँ से लेनी चॉकलेट किसी को गिफ्ट करनी चलते हैं। अभी हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें मिल नहीं रही, यहाँ पे दोनों चीज़ें ना चॉकलेट है ना वो चीज़ें हैं, तो अब चलते हैं गाड़ी से। देखिए मैंने आपको बताया था हम जा रहे हैं वो चॉकलेट्स लेने, चॉकलेट्स किसी को देने नहीं थी, कज़न की थी उसको ला के दी हैं, मिलनी थी बड़ी मुश्किल से मिल गई है। तो मैंने घर आके देखा तो ये किसी, उसने जिसकी चॉकलेट थी उसने लगा दिया, और ये नेट किसी को मेरे से दुश्मनी, किसी ने घर से मोटर चला दी। यार मैं अब बात बताता हूँ, आज मैं सुबह से व्लॉग कर रहा हूँ अपने दूसरे फ़ोन से, क्योंकि जो मेरा पहला फ़ोन था 7 उसको पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि कुछ पिछले दिनों से कोई हफ्ते दो से ना वो ना मतलब कि रात को सो पिड़ा के समय पूरा ऑफ हो गया मिलता था। सुबह मैं उसको चार्जिंग पे लगा दूँ ना 50 पर चार्जिंग, आधा घंटे बाद जाके ऑन होता था, मतलब कि 1% फिर 2% स्टार्ट होता था। आज मैंने इसको 2-3 घंटे लगा के रखा है, लेकिन आज ओ नहीं हो रहा, मुझे ये हो रहा कि बैटरियाँ तो खत्म हो गई हैं, कुछ हो गया है या केबल ख़राब हो गया। अब ये कन्फर्म नहीं पता चल रहा, केबल तो सही क्योंकि मैं अपने आईफोन को लगाता हूँ, ये दूसरे वाले को तो इसमें सही चलता है। तो आज ये आया हुआ है, सर्जरी करने लगे हम इसकी, पता नहीं ऑन होता है कि नहीं, केबल लगा ली हुई है हमने, अब पता नहीं ऑन होता है, क्योंकि ये आईफोन के जिसमें मैं ब्लॉक कर रहा हूँ ना, ये मेरा दूसरा फ़ोन है, इसमें सही चलता है, मतलब कि केबल वगैरह सही चलती है। तो आप पता नहीं इस फोन को क्या मसला है, आप देखते हैं या तो केबल चेंज करके देखते हैं या बैटरी का कोई मसला हो, पहले तो केबल देखते हैं सही होगा, नहीं तो फिर बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। तो अब ये देखते हैं क्या होता है इसका। यार हमने फ़ोन का सोचा कि ना अभी चलते हैं मार्केट से चेक वगैरह करते हैं, लेकिन उससे पहले करने वाले बाइक का इंजन ऑयल चेंज, बाइक का जले गया वो रखा साइड पे, इंजन ऑयल मतलब कि मैं बाजार से ले आया था, मैं कहा ज़रूर बाइक से चेंज कराना, पैसे दे के पैसे लेते 40,000, मैं कहा घर में काट लेंगे, आता तो है चाबी वगैरह है, लेकिन हमारे पास जो कुप्पी है ना, हमने ये जामिश्री की बोतल काट के ये डालने के लिए, और ये जो गंदा ऑयल निकलेगा उसको निकाल लेंगे, गंदा ऑयल जो होता है ना उसको हम बेच भी सकते हैं, लेकिन किलो के हिसाब से बिकता है तो वह बहुत कम होगा जो 60 के। और अब ये है हमारे पास नया ऑयल, खोल इसको ऊपर खोल, कैसे मारना, बस सबर सबर बोलो, खुल गया खुल गया, चाबी डालना जो तुझे दी जी, मैं एक मिनट इसको पकड़ी, हाँ जी मिशन कामयाब, इसको हमने खोल दिया, अब जल्दी से चेंज करते हैं, फिर देखेंगे शायद रात को जाएंगे, अभी जाके उसको फोन को देखेंगे क्या मसला हो गया, वो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। इंजन से ये चीज़ निकाली है जिससे ऑयल चेक करते हैं, अभी हमने चेक किया फुल ब्लैक हुआ है, फुल ब्लैक ये देखें, और अभी जो बोतल में निकलेगा वो भी दिखाएंगे कितना होगा। मेरे ख्याल 2-3 महीने पहले चेंज कराया था, मैंने नहीं था कराया, कज़न ने कराया था, मैं कहा चलो इसका मैं चेंज कराता हूँ देखता हूँ। तो अभी हम घर आ गए हैं, इंजन ऑयल चेंज करा गए, तो मैंने कहा स्मोक लाया था शायद, इसका पट्टा भी धोया था, तो अब इसको बनाने लगे, कितना प्यारा आराम से बैठा हुआ स्नो, तो अभी ये हमने आ गया आपके सामने, इसको बो पहनाई थी लेकिन इसने उतारती है, अब इसको दोबारा पहनाते हैं, और आज मुझे जाके पता चला ये 1.5 साल का है, मैं इसे बहुत छोटा समझता था, बहुत ही छोटा, बस अब ना खोल ले, शिकार में बैठा हुआ है। उस दिन भाई इसने अपने से बड़े बिल्ले को डरा दिया है, जिसकी स्टोरी नहीं पड़ती, मैं तो बड़ा डरपोक समझता था, अपनी बीवी से डरता था मैं, डरपोक समझते थे। उस दिन आया ये उसकी टांगों जितना आ रहा था, अगले ने डरा के भगा दिया, अगला वो द्वार पर चढ़ गया तो ये चाड़ी नहीं था सका, फिर आ गया वापस स्नो, और वो पहनी है ये स्नो है, आपको दिखाते हैं स्नो के शॉर्ट्स।
लिए यार नहा के, मैं ऊपर फोन का बताऊंगा भी ये काम कर लेना फिर से बार। तो अभी मैं छत पे रात के 1 बज रहा है इस टाइम, हमने डंडा तो पकड़ लिया अपने साथ, क्योंकि इधर इलाके में चोरी शोरी बड़ी होती है। पहले अपनी अपनी छत अच्छी तरह चेक कर ली कोई है हूँ तो नहीं ना, तो हमने कहा चलो अब हम पानी मारने लगे आउटडोर पे, क्योंकि ना एक दिन हो गया आंधी बड़ी चली है, उस वजह से ना वो मिट्टी बड़ी होगी, कूलिंग नहीं था गाड़ा। तो अब चलो नीचे जाता हूँ मैं पानी मार के आता हूँ। फाइनली मैं बड़ी मुश्किल से इस दीवार से नीचे आ गया हूँ, क्योंकि इधर थे प्लास्टिक के पाइप, टूटने का खतरा था। तो मैं आ गया, खोल पानी और इधर आ जा, पाइप पकड़ ले, इधर से हमने मारना है अभी क्या कहते हैं पानी मारना आउटडोर पे, क्योंकि बड़ा गंदा। पहले भी एक था मैंने 20-30 दिन पहले मारा था, तो उस वजह से फुल खोल दे, फुल खोला हुआ नहीं आ रहा। आ गया आ गया, अभी तो बड़ा गंदा हुआ है, कूलिंग नहीं हो रही, अब इसको अच्छी तरह प्रेशर मारते हैं फिर चलते हैं आगे पीछे। फिर मैंने पानी शानी मारा है, तो हमने कहा पाइप की सीढ़ी से क्या नीचे लग गया ना, उसको इधर से लमका के नीचे सेम में फेंक देते हैं। वो भी मेरा फोन गया था तेरी वजह से, अभी नीचे अंधेरा हुआ लेकिन आपको नज़र आ रहा है लाइट भी चढ़ गया है, उससे हम पाइप नीचे लमका रहे हैं, क्योंकि पानी अगर थोड़ा सा भी होगा वो गिरेगा सेन में और इसका कोई मसला नहीं होगा, इसलिए चलते हैं नीचे जाके देखते हैं बेसिक कैसे कूलिंग करा, जाके चलाते हैं फिर चेक करते हैं। तो गाइस आज है जी जुमा, आपको सबसे पहले तो जुमा मुबारक, अभी मैं तैयार हो गया हूँ जुमा पढ़ने के लिए और मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने। तो आप इस ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।